नमस्कार, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं अकाउंट मास्टर के बारे में, यानी मास्टर्स क्या होते हैं। मास्टर दो तरह के होते हैं, एक इन्वेंट्री सिलेक्टेड, यानी जो भी हम वस्तु का हम व्यापार करते हैं, यानी जिस इन्वेंट्री का व्यापार करते हैं उससे संबंधित मास्टर, और जो भी हम अकाउंट ग्रुप बनाते हैं या लेजर बनाते हैं उनसे संबंधित मास्टर। हम टैली में कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। साथ ही साथ जो भी हम मेन गेटवे टैली में मेन मेनू के अंदर जो मेनू खोलते हैं उन्हें हम सब मेनू कहते हैं, और वे किस तरह से ओपन होते हैं इसके बारे में आपको लाइव दिखाया गया है। साथ ही साथ जो मास्टर संबंधित और भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो आशा है कि इसको देख के आपको और भी समझ में आएगा कि टैली में मास्टर्स का क्या महत्व है। साथ ही साथ अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी इस चैनल पे अपलोड होते हैं उसकी जानकारी मिल सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस वीडियो को देख के अन्य लोग भी लाभान्वित हों। धन्यवाद। नमस्कार, और आज नमस्कार आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह अकाउंट मास्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, और 28 अकाउंट ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से लेजर रखे जाते हैं। साथ ही साथ अगर अकाउंट ग्रुप का अगर हम गलत चुनाव करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे लेजर्स पे क्या पड़ता है, इन सभी बातों का हमने विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा किया था। आज जो पढ़ने वाले हैं अकाउंट मास्टर पढ़ने वाले हैं। अकाउंट मास्टर क्या होता है, जितने भी आप लेजर्स बनाते हैं या अकाउंट ग्रुप बनाते हैं या इन्वेंट्री के अंदर जो भी स्टॉक आइटम यूनिट्स या स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं वह मास्टर कहा जाता है। यानी अकाउंट मास्टर वह मास्टर है जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अब ये अकाउंट मास्टर कौन कौन से होते हैं, तो ये मास्टर जो होते हैं वो मेन गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो मेन मेनू होता है गेटवे ऑफ टैली उसके अंदर आपको मास्टर मिलेगा, और मास्टर के अंदर दो इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। और इसी मास्टर में अकाउंट इन्फो के अंदर जो मास्टर्स होते हैं वह अकाउंट इन्फो के अंदर कौन कौन से मास्टर होते हैं, एक ग्रुप का होता है और एक लेजर का होता है। और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर कौन कौन से मास्टर होते हैं, स्टॉक ग्रुप का होता है और स्टॉक आइटम का होता है और यूनिट्स का होता है। यानी ये मास्टर जिसमें आप संबंधित ग्रुप या अकाउंट ग्रुप या लेजर या इन्वेंट्री आप क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो ये मास्टर्स होते हैं। और ये मास्टर आपको कहाँ मिलेंगे, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। अकाउंट इन्फो के अंदर आपको ग्रुप और लेजर मिलेगा, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स मिलेगा। अब हम अगर अकाउंटिंग मास्टर की बात करें यानी अकाउंटिंग इन्फो की बात करें जो मेन गेट ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर मौजूद होता है, उसमें आपके अकाउंट इन्फो के अंदर दो ग्रुप होते हैं, मतलब दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है ग्रुप जिसमें पहले से प्री डिफाइंड 28 अकाउंट ग्रुप मौजूद होते हैं, और एक होता है अकाउंट इन्फो के अंदर लेजर जिसमें पहले से प्री डिफाइंड दो लेजर्स होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और एक कैश का। यानी अकाउंट इन्फो के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, दो मास्टर होते हैं, एक ग्रुप का होता है और लेजर का होता है। ग्रुप पहले से ही 28 होते हैं, चाहे तो और भी क्रिएट कर सकते हैं। लेजर इसमें पहले से प्री डिफाइंड दो होते हैं, चाहे तो और बाद में भी आप लेजर्स जैसी ज़रूरत है उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस मास्टर्स के अंदर जाके आप जैसे ग्रुप मास्टर के अंदर जाके ग्रुप से अकाउंट ग्रुप बना सकते हैं, और लेजर के अंदर जाकर लेजर मास्टर के अंदर जाकर आप लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं।
इसी तरह से इन्वेंट्री इन्फो की बात करें तो इन्वेंट्री इन्फो को खोलने पर इसके अंदर तीन ऑप्शंस आते हैं, यानी तीन मास्टर आते हैं। एक इन्वेंट्री के अंदर इन्फो के अंदर ग्रुप यानी स्टॉक ग्रुप आता है, जिससे हम स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं उसका हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं ताकि स्टॉक को हम व्यवस्थित रख सकें। जैसे मल्टीपल यानी लेजर को व्यवस्थित करने के लिए जैसे हमने अकाउंट ग्रुप के अंदर हम रखते हैं, यानी जो प्री डिफाइंड अकाउंट ग्रुप होते हैं उसके अंदर रखते हैं ताकि लेजर हमारे व्यवस्थित रहें, गैदरिंग ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेजर्स को हम ग्रुप वाइज मेंटेन कर सकें चाहे ताकि हम इजी एक्सेस कर सकें। उसी तरह से हमारे पास हम मल्टीपल वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और उनको कैटेगराइज करने के लिए उनको व्यवस्थित करने के लिए अकाउंट ग्रुप की तरह ही स्टॉक ग्रुप होता है जिसमें हम उनको उनके नेचर के अनुसार हम उनको उसमें प्लेस कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक ग्रुप के अंदर जैसे अकाउंट ग्रुप में प्री डिफाइंड 28 ग्रुप होते हैं लेकिन स्टॉक ग्रुप में पहले से प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, आपको अपने वस्तु के हिसाब से स्टॉक ग्रुप बनाना होता है। जैसे अगर आप मल्टीपल ऑयल के प्रोडक्ट को बेचते हैं तो ऑयल का स्टॉक ग्रुप बनाकर उसमें ऑयल के स्टॉक को रख सकते हैं जो ऑयल के प्रोडक्ट हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे, अगर आप डिटर्जेंट के बेचते हो, बहुत सारे कपड़े धोने का साबुन बेचते हो, सोप बेचते हो, तो ऐसे आप डिटर्जेंट केक के नाम से स्टॉक ग्रुप बनाकर जितने भी प्रोडक्ट आपके डिटर्जेंट केक की हैं उनको आप डिटर्जेंट केक के स्टॉक ग्रुप में रख सकते हैं। यानी अकाउंट ग्रुप की तरह आप स्टॉक ग्रुप बनाकर उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक आइटम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर होता है। स्टॉक आइटम के अंदर आप जितने भी वस्तुओं का व्यापार करते हैं आप उनके नाम से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनके जब वे परचेज या सेल्स हों तो उनको स्टॉक आइटम आपने अगर क्रिएट कर लिया है तो उसको उस हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक यूनिट्स होता है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर तीसरा। इससे क्या होता है, जो भी आप अपने स्टॉक आइटम को पीसेज में या केजी में या ग्राम में जो मापते हैं उनका यूनिट क्रिएट करते हैं ताकि उनका काउंटिंग आप या उनका आप मेजरमेंट कर सकें, तो यूनिट्स भी इसके अंदर होता है। तो मास्टर के अंदर आपके दो ऑप्शंस होते हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो के अंदर आपका जहाँ पे अकाउंट ग्रुप होता है यानी ग्रुप होता है और लेजर होता है। ग्रुप से आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जबकि लेजर से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो होता है मास्टर के अंदर जिसमें आपका इन्वेंट्री यानी जो वस्तु होता है, इन्वेंट्री मतलब वस्तु, इन्वेंट्री जो भी आप जिस वस्तु का आप व्यापार करते हैं उनका इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। यानी इसमें इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ग्रुप होता है यानी स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम होता है जिससे आप प्रोडक्ट जितने भी बेचते हैं या खरीदते हैं उनको यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें यूनिट्स होता है यानी जो वस्तुओं का आप प्रोडक्ट का आप व्यापार करते हैं उनको मापने की इकाई यानी उसको किस में बेचेंगे, पीस में कि ग्राम में कि केजी में कि क्विंटल में, तो उसको इस यूनिट्स को यूनिट से मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस है, अकाउंट मास्टर मेन्यू एंड सब मेन्यू ऑप्शन। मैंने पहले ही बताया था कि टैली में जब भी हम गेटवे ऑफ टैली का मेन मेन्यू खोलते हैं तो उसके अंदर सब मेन्यू और सब मेन्यू के अंदर सब मेन्यू होता है। जैसे यहाँ पर देखें गेटवे ऑफ टैली में हमने अगर अकाउंट इन्फो को खोला तो अकाउंट इन्फो में ग्रुप और लेजर, यानी मेन मेन्यू का सब मेन्यू अकाउंट इन्फो। अब हमने ग्रुप पर क्लिक किया तो ग्रुप का जो सब मेन्यू है वह यहाँ पर खुल गया। अगर हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो उसका अलग आएगा। तो इस तरह से एक मेन्यू का सब मेन्यू होता है और सब मेन्यू के अंदर भी कई सब मेन्यू मौजूद होते हैं जिसको हम सेलेक्ट करके इंटर करते हुए जा सकते हैं और बाहर निकलने के लिए एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। इन्हीं सब मेन्यू को आप दिखाया गया है जैसे गेटवे ऑफ टैली का अकाउंट इन्फो ग्रुप, ये सब मेन्यू इसके अंदर। ऐसे ही आप इन्वेंट्री इन्फो का देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो। तो आखिर ये जो सब मेन्यू है या
इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो या अन्य ऑप्शन जब भी खोलते हैं उन सभी का सब मेन्यू खुलता है। आप सब मेन्यू के अंदर भी सब मेन्यू खुलते हैं और उनके जो ऑप्शंस होते हैं, यानी जो सब मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कुछ चीज़ों को छोड़कर सभी सब मेन्यू, यानी किसी भी ऑप्शंस का आप सब मेन्यू खोलें वह सेम होता है। जैसे अकाउंट ग्रुप खोलते हैं तो सब मेन्यू ग्रुप के नाम से खुलता है, यानी जब अकाउंट ग्रुप आप खोलेंगे तो अंतर क्या होगा, उसका जो अकाउंट ग्रुप का जो सब मेन्यू खुलेगा वो ग्रुप के नाम से खुलेगा। लेकिन ध्यान दें, इसमें जो सिंगल ग्रुप मल्टीपल ग्रुप, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, यानी ग्रुप का खोला तो ये क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, क्रिएट अल्टर डिस्प्ले, अंतर क्या है कि एक ही थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ग्रुप चेंज है। और लेजर का अगर सब मेन्यू खोल रहे हैं तो देखिए उसका भी सेम आ रहा है जैसे आपका ग्रुप का आ रहा है, यानी इसका सिंगल ग्रुप और इसका सिंगल लेजर। यानी देखें तो जितने भी ऑप्शंस के आप सब मेन्यू खोलते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को छोड़कर सब समान होता है, यानी जो ऑप्शंस आप खोलते हैं उसका नाम छोड़कर बाकी सब समान होता है। यानी इसमें भी क्रिएट अल्टर डिस्प्ले है, इसमें भी क्रिएट अल्टर डिस्प्ले है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी मल्टीपल है, इसमें भी मल्टीपल है, यानी वो ग्रुप का ले लीजिए, लेजर का ले लीजिए, स्टॉक ग्रुप का ले लीजिए, स्टॉक आइटम का ले लीजिए, इनके सब मेन्यू जो खुले हुए हैं स्टॉक आइटम का, स्टॉक ग्रुप का या लेजर का या ग्रुप का, इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सब समान है। केवल और केवल क्या है इसमें डिफरेंट है, जिस जो चीज़ें हम खोले हैं, यानी लेजर का खोले हैं तो लेजर के नाम से उसका सब मेन्यू खुला है, अगर स्टॉक ग्रुप का खोले हैं तो स्टॉक ग्रुप के नाम से खुला हुआ है, लेकिन बाकी सब चीज़ें समान हैं। लगभग सभी मेनू के अंदर आप देखें जितने भी सब मेनू हैं उसमें सिंगल और मल्टीपल करके ऑप्शंस आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सिंगल मल्टीपल, लेजर में भी देखें सिंगल मल्टीपल, स्टॉक में भी देखें सिंगल मल्टीपल, स्टॉक आइटम में देखें सिंगल मल्टीपल, यानी जो भी ऑप्शंस खोलेंगे उनका तो सब मेनू समान होगा। और दूसरा उसमें क्या मतलब होगा कि जो भी उसके अंदर ऑप्शन दिए रहेंगे उन ऑप्शंस के मेनू के अंदर, उनमें जो ऑप्शंस के दिए रहेंगे वो सिंगल और मल्टीपल में होता है। सिंगल के अंदर भी आप ध्यान दें तो क्रिएट अल्टर डिस्प्ले है और मल्टीपल में भी क्रिएट अल्टर डिस्प्ले है, चाहे वो ग्रुप का देख लें, चाहे लेजर का देख लें, चाहे स्टॉक ग्रुप का देख लें, चाहे स्टॉक आइटम का देख लें। अब ये क्रिएट अल्टर डिस्प्ले से क्या होता है, क्योंकि ये सभी सब मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शंस खोलते हैं वो सबके अंदर समान होता है। अगर हम क्रिएट की बात करें तो जिसका सब मेनू के अंदर, यानी जिस ऑप्शंस के अंदर आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं, यानी क्रिएट से क्या हो सकता है, जिसका ऑप्शंस है उससे नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेजर के अंदर क्रिएट है तो क्रिएट से आप नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अकाउंट इन्फो के अंदर हमने लेजर के अंदर क्रिएट पर जब क्लिक किया तो हाँ यहाँ से हम नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ग्रुप के अंदर ग्रुप खोला तो ग्रुप के अंदर जो क्रिएट है उससे नया ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक आइटम के अंदर जो क्रिएट है उससे आप स्टॉक आइटम नया क्रिएट कर सकते हैं। यानी जिस ऑप्शंस के अंदर आपको सिंगल में या मल्टीपल में क्रिएट मिलेगा उससे आप उस ऑप्शंस का नया बना सकते हैं। जैसे लेजर का अगर ऑप्शन है तो क्रिएट से नया लेजर बना सकते हैं, अगर स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन है तो स्टॉक ग्रुप नया क्रिएट कर सकते हैं, अगर स्टॉक आइटम का ऑप्शन है तो क्रिएट से नया स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, अगर ग्रुप का ऑप्शन है तो उसके क्रिएट से हम नया अकाउंट ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी अकाउंट क्रिएट से हम नया चीज बनाते हैं। अगर वही डिस्प्ले की बात करें जो सभी सब मेनू में कॉमन है, तो अगर हम सिंगल के अंदर जो डिस्प्ले है, मतलब सिंगल के अंदर हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, तो सिंगल के अंदर जो डिस्प्ले है उससे जो उस ऑप्शंस के अंदर पहले से बना हुआ है उसको देख सकते हैं। यानी लेजर ऑप्शंस के अंदर हैं तो लेजर के डिस्प्ले में जब हम सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे
तो जितने भी उसके अंदर लेजर बने हुए हैं उनको हम देख सकते हैं, और इनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसका जो डिटेल्स है वह पूरी तरह से हम शो कर सकते हैं। और अगर हम सिंगल के अंदर अल्टर की बात करें तो इससे हम उस ऑप्शंस के अंदर, यानी अगर हम लेजर का ऑप्शन को खोला है और उसके सिंगल के अंदर हम अल्टर पे जाके हम किसी लेजर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी क्रिएट से हम नया बना सकते हैं, डिस्प्ले से हम पहले से बने हुए चीज़ों को देख सकते हैं, जबकि अल्टर से हम उस ऑप्शंस के अंदर पहले से जो बना हुआ है, यानी लेजर के अल्टर पर अगर आपने क्लिक किया है तो जितने भी लेजर बने हैं उनमें से किसी को भी हम सुधार सकते हैं। ऐसे ही जैसे सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट अल्टर डिस्प्ले होता है, वैसे ही लेजर के अंदर मल्टीपल लेजर होता है, इसमें भी क्रिएट अल्टर डिस्प्ले होता है। जो भाव, जो मीनिंग सिंगल के अंदर क्रिएट अल्टर डिस्प्ले का है वही मल्टीपल के अंदर भी है। मतलब सिंगल के अंदर जो क्रिएट है उसे नया बना सकते हैं, यानी लेजर के अंदर अगर क्रिएट है तो नया लेजर क्रिएट हो सकता है, डिस्प्ले से पुराने को देख सकते हैं, अल्टर से पुराने में सुधार कर सकते हैं, और मल्टीपल में भी जो क्रिएट है उससे आप नया बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं, अल्टर से सुधार सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में जो क्रिएट है उससे एक समय में आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिंगल लेजर पे ना क्लिक करके मल्टीपल लेजर के अंदर अगर मैं क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक साथ मैं कई लेजर को बना सकता हूँ। वैसे ही अगर मल्टीपल लेजर के ऑप्शंस में अगर हम डिस्प्ले पर क्लिक करते हैं तो एक साथ हम कई लेजर को देख सकते हैं, जबकि सिंगल के अंदर अगर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हम एक बार में एक ही चीज़ पर काम कर सकते हैं। चाहे वो स्टॉक ग्रुप के अंदर अगर डिस्प्ले पर सिंगल के अंदर क्लिक करते हैं तो एक बार में एक ही देख सकते हैं, अगर स्टॉक ग्रुप के अंदर या लेजर के अंदर अगर आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं सिंगल में तो एक बार में एक ही बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल के अंदर अगर आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो एक बार में आप कई बना सकते हैं। वैसे ही मल्टीपल में अगर डिस्प्ले के अंदर क्लिक कर सकते हैं तो एक बार में आप कई देख सकते हैं। वैसे ही मल्टीपल के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक बार एक साथ आप कई लेजर में सुधार कर सकते हैं, अगर लेजर ऑप्शन के अंदर आप मल्टीपल लेजर के अंदर अल्टर पे क्लिक करते हैं तो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल लेजर के अंदर अल्टर पे क्लिक किया है तो जितने भी लेजर्स मेरे बने हुए हैं वो सभी को शो कर रहे हैं, इनमें से मैं कभी किसी को भी सुधार कर सकता हूं। लेकिन अगर सिंगल लेजर के अंदर अल्टर में रहता तो मैं एक बार में एक ही लेजर को सुधार सकता था। यानी क्रिएट अल्टर डिस्प्ले से आप इतना जान लें कि उस क्रिएट से बना सकते हैं, जिस ऑप्शन में है उसको उसका नया बना सकते हैं, अल्टर से सुधार सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं पुराने को। जबकि अगर वही क्रिएट अल्टर डिस्प्ले मल्टीपल के अंदर है तो क्रिएट से मल्टीपल के अंदर जो क्रिएट है उससे एक बार में कई बना सकते हैं, जैसे लेजर में है तो कई लेजर बना सकते हैं, अकाउंट ग्रुप में है तो कई अकाउंट ग्रुप बना सकते हैं। वैसे ही मल्टीपल के अंदर जो डिस्प्ले है एक साथ कई चीज़ों को देख सकते हैं, अगर लेजर में मल्टीपल में है तो कई चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही लेजर के अंदर अगर हम अल्टर में हैं तो एक साथ हम कई लेजर में सुधार कर सकते हैं। तो आशा है मेनू के अंदर जो सब मेनू है वो आपको समझ में आ गया होगा, मास्टर समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर मास्टर दो होते हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। मास्टर से हम जो भी अकाउंट ग्रुप का मास्टर होता है या लेजर का मास्टर होता है या इन्वेंट्री का मास्टर होता है वह मास्टर से ही क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं। मास्टर यानी जो लेजर्स या अकाउंट ग्रुप होते हैं, इन्वेंट्री होते हैं, उनको हम क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमारे जो भी हम लेजर क्रिएट करते हैं या अकाउंट ग्रुप क्रिएट करते हैं या स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं या यूनिट्स क्रिएट करते हैं तो जो नेम का कॉलम होता है जहाँ पर हम संबंधित आइटम का हम नाम टाइप करते हैं उसके नीचे एलियास का भी एक नाम होता है। इस कॉलम में हम उस लेजर का या उस अकाउंट ग्रुप का जो हम बना रहे हैं उसका उपनाम दे सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर हम सेल्स का प्रॉफिट एंड लॉस, मान लीजिए हम
किसी पार्टी का लेजर बना रहे हैं, तो जब उसका लेजर क्रिएशन करेंगे, चाहे सिंगल मोड में करें चाहे मल्टीपल मोड में करें, तो अगर सिंगल मोड में क्रिएट पर क्लिक कर रहे हैं तो नेम के अंदर अगर उसका नाम रवि कुमार है तो नेम में हम रवि कुमार दे सकते हैं, और एलियास में क्या दे सकते हैं, एलियास में हम दे सकते हैं कि जो उसका उपनाम है, जैसे रवि कुमार का उपनाम क्या हो सकता है, आरके हो सकता है या कुछ अन्य हो सकता है, तो ये एलियास में उसका उपनाम हम दे सकते हैं, जिसको हम निक नेम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं डुप्लीकेट नेम के बारे में। तो डुप्लीकेट नेम क्या होता है, डुप्लीकेट नेम जो मास्टर में हम नेम के अंदर जो नाम देते हैं, चाहे वो लेजर बना रहे हों, चाहे अकाउंट ग्रुप बना रहे हों, चाहे स्टॉक ग्रुप बना रहे हों, या स्टॉक आइटम बना रहे हों, यूनिट्स बना रहे हों, तो जो नाम हम पहले से दे दिए हैं, चाहे वो नेम में दिए हैं या उसका एलियास में दिए हैं, तो अगर वो नाम हम दोबारा दे रहे हैं तो वो उसे डुप्लीकेट मानेगा और उस नाम से जो पहले से बन चुका है उसको दोबारा क्रिएट करने नहीं देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अकाउंट मास्टर क्या होता है। अकाउंट मास्टर जो होता है वो मेन गेट ऑफ टैली के अंदर अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के नाम से होता है। अब इसके अंदर अकाउंट इन्फो के अंदर जहां ग्रुप और लेजर होता है, ग्रुप से आप नया अकाउंट ग्रुप का मास्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, जबकि लेजर से आप नए लेजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं या उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही इन्वेंट्री इन्फो का जो मास्टर होता है उसके अंदर आप नया स्टॉक आइटम का मास्टर यानी उसका लेजर उसका स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं या स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू, आशा है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।